हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ की 14 मई 2020 की ईवीएस की क्लास पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका हमारे गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा हमने टॉपिक शुरू करना है इन क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस आप सभी के सर्वे के लिए हैं। आप आसपास में घरों में जाएं, उनसे पूछें उनके घर में टॉयलेट है या नहीं, और उन्होंने टॉयलेट क्यों नहीं बनवाया, उन्होंने हाथ वो टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोते हैं नहीं, ये सब सर्वे वाली कर चीज़ें हैं। ये जो आप अब लॉकडाउन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इस लेसन को अच्छे से समझिए। ये पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, इसमें देखिए लेडी अपने घर में साफ़ सफाई कर रही है, इसके पास क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हैं जिससे इसका काम काफ़ी आसान हो गया। ये इस पिक्चर्स के बारे में हैं क्वेश्चंस। इट शुड बी अ हैबिट और जस्ट नॉट जस्ट पॉम्प एंड शो। इन्होंने कहा क्लीननेस जो है वो एक आदत होनी चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं। सुनीता ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु। They showed her many photographs of the places where they had visited. Sunita saw in the photographs that the city was very neat and clean. Now she began to think that her houses were small and all the places were not so clean. तो सुनीता के भैया और भाभी बेंगलुरु गए। वहाँ उन्होंने जहाँ जहाँ वो गए थे उनकी पिक्चर सुनीता को दिखाई। सुनीता ने देखा कि सिटी बहुत ही साफ़ सुथरी थी। वो सोचने लगी कि हमारे घर तो बहुत छोटे हैं और हमारे तो यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई भी नहीं है। Brother's friend, whose place her mother and her sister-in-law had been to, was about to come to the village after some time. उसके भाई का एक दोस्त जिसके घर वो रहे थे बेंगलोर में, वो कुछ ही दिनों में गांव आने वाला था। He would not like the house as it was present. सुनीता ने सोचा कि वो जैसा हाउस हमारा अब है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। Her sister-in-law was understanding. She talked to her about it. उसकी भाभी उसे देख रही थी, उसे समझ रही थी। उसने उससे कहा सुनीता nobody is known by the size of his house whether it is big or small। उसने कहा कि किसी को भी अपने हाउस से बिग और स्मॉल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने देना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट क्लीननेस इज मस्ट। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मायने रखती है वो है साफ़ सफाई, जो कि होनी चाहिए। बट इट शुड नॉट जस्ट टू शो एनीबडी, रादर इट शुड बी इनकल्केटेड इन आवर हैबिट्स। उसने कहा कि हमें सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए, हमारी हैबिट्स में से एक होनी चाहिए। ही हु क्लीन्स इज ग्रेट नॉट द वन हु लिटर्स। यहाँ इन्होंने कहा है महान वो होता है जो साफ करता है, वो नहीं जो गंदगी फैलाता है। आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम रिजोल्यूशंस एंड मेक क्लीननेस देयर हैबिट। दे प्लाइड। सुनीता अपनी भाभी से प्रेरित होकर क्या कहने लगी, अपने फ्रेंड्स को उसने साथ लिया और कुछ प्रण लिए कि वो क्लीननेस को अपनी आदत बनाएंगे। उन्होंने क्या प्रण लिए, वील नॉट थ्रो पेपर्स रिमेन्स ऑफ पेंसिल रैपर्स ऑफ टॉफीज एक्सेट्रा इन आवर क्लास। वील नॉट राइट एनीथिंग ऑफ वॉल्स फ्लोर्स और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी। उन्होंने कहा कि हम ना तो पेपर ना पेंसिल ना रैपर टॉफी के इन सभी को क्या कहते क्लास में नहीं फेंकेंगे। हम वॉल्स पे बेंचेस पे फ्लोर पे कुछ नहीं लिखेंगे ताकि वो गंदे ना हों। वील नॉट स्पिट एंड थ्रो रबी शेयर एंड देयर। हम इधर उधर नहीं थूकेंगे, वह कचरा भी इधर उधर नहीं डालेंगे। वील बाथ एवरी डे एंड वीयर क्लीन क्लॉथ्स। हम रोज़ नहाएंगे और अच्छे कपड़े पहनेंगे। वील नॉट यूज़ पॉलीथिन बैग्स। हम प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करेंगे। वील की हेल्पफुली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट्स हाउसेज स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेज क्लीन। वील श्योरली यूज़ ओनली क्लोथ जूट और पेपर बैग्स फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी एक्सेट्रा एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथिन बैग्स। तो उसने कहा कि हम अपनी गलियाँ घर स्कूल को साफ करेंगे और जूट बैग क्लोथ बैग यूज़ करेंगे पॉलीथिन बैग की जगह। इम्पॉर्टेंट टास्क एनीबडी, ये देखिए आपको गांधी जी के बारे में बताया यहाँ पे। एनीबडी विजिटिंग गांधी आश्रम वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट्स एज डेली वर्क। Only after doing this work properly, he was given any other work because cleanliness was the most important for महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के आश्रम में जो भी कोई पहली बार वहाँ रहने जाता था तो उसे सबसे पहले टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाता था, और अगर वो अपना काम अच्छे से करता था तो उसे और काम दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि साफ सफाई सबसे मस्ट हो। दीज डेज स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन इज बींग रन थ्रू आउट द कंट्री। इट इज़ बींग स्ट्रेस दैट रोड्स रेलवे स्टेशन बस स्टैंड मस्ट बी कैप्ट क्लीन। आजकल स्वच्छ भारत अभियान के तहत रोड्स स्ट्रीट सब कुछ को क्लीन करना चाहिए हमें। देयर शुड बी कैप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउस। हर हाउस में डस्टबिन होने चाहिए। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। कचरे का अच्छे से रिसाइकल भी होना चाहिए ताकि उसका दोबारा यूज़ किया जा सके। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका जो वर्क होगा वो आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा।